आसनसोल नगर निगम के 106 में से 7 वार्डों में जीत दर्ज कर बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। 17, 18, 27, 29, 69, 103 और 105 नंबर वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 3 वार्डों में जीत दर्ज कर तीसरे स्थान पर रही, जबकि सिर्फ 2 वार्डों में जीत हासिल कर सीपीएम चौथे स्थान पर खिसक गई। सोमवार को आसनसोल नगर निगम चुनाव के 106 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। तृणमूल कांग्रेस ने 106 में से 91 वार्डों में जीत दर्ज कर आसनसोल नगर निगम बोर्ड पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं 7 वार्डों में जीत प्राप्त कर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। 3 वार्डों में जीत हासिल कर कांग्रेस तीसरे स्थान पर और सिर्फ 2 वार्डों में जीत कर सीपीएम चौथे स्थान पर खिसक गई, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनाव नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सर्वाधिक 61.42% वोट मिले हैं, जबकि 17.05% वोटों के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर है। बाम मोर्चा को 9.97%, कांग्रेस को 4.15% और निर्दलीय प्रत्याशियों को 5.86% वोट मिले हैं। बीजेपी ने आसनसोल नगर निगम के जिन वार्डों में जीत प्राप्त की है उनमें 17, 18, 27, 29, 69, 103 और 105 नंबर वार्ड शामिल हैं। 17 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी ललन मेहरा, 18 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अमित तुलसियान, 27 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी चैताली तिवारी, 29 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गुप्ता ने जीत हासिल की है, जबकि 69 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी सुशांत मंडल, 103 नंबर वार्ड से तारकनाथ धीबर और 105 नंबर वार्ड से इंद्रानी आचार्य ने जीत का परचम लहराया है। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। এটা তো ভোটের নামে লুট হয়েছে, আসানসোলে ভোট তো হয়নি, ভোটের নামে লুট হয়েছে। এবং এই লুট করে কেউ মেয়র হবে, কেউ ডেপুটি মেয়র হবে, কেউ চেয়ারম্যান হবে। আমি বলবো যেদিন শপথ নেবে কেউ মেয়র চেয়ারম্যান ডেপুটি মেয়র হিসেবে, একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা দেখবেন যে মানুষকে আপনি ভোট দেওয়ার অধিকার দিলেন না, বাইরে থেকে গুন্ডা বদমাশ নিয়ে এসে তাদের তারা ভোট লুট করলো এবং তার বেসিসে তার জোরে আপনি এই চেয়ারে বসছেন। নির্লজ্জ এরা যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যারা বলছে যে আমরা ভোটে জিতেছি তারা নির্লজ্জ। আগামী দিনে 1-1.5 মাস পর পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে, আসানসোলে মানুষের জবাব দিয়ে দেবে যে আসানসোলে ভোট লিট লুট করলে আসানসোল মানুষ তার জবাব দিতে জানে, এটার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত থাকবে। এই যে ভোট যেভাবে আসানসোলে হয়েছে, আপনারা যে বলছেন ভোট লুট হয়েছে, আর বিজেপি কতটা সিট পেয়েছে কি আপনাদের চাহিদা ছিল? না, আমরা তো বোর্ড হতো, ওরা তৃণমূল জানতো যে এখানে ভোট যদি হয় তো 80-এর বেশি সিট আমরা পাবো, আমাদের বোর্ড তৈরি হবে। সেই জন্য তো বিভিন্ন বুথে 200-250 লোক বাইরে থেকে ঢুকিয়ে সব বুথ লুট করে নিল, পুলিশ ওদের সঙ্গে, ইলেকশন কমিশন ওদের সঙ্গে। এটা গণতন্ত্র হত্যা করা হলো, এটা এটা এটাই যদি করা ছিল তো ভোট করার প্রয়োজন ছিল না। আসানসোলবাসীকে বলবো যে এটা আলটিমেটলি আসানসোলের মানুষকে অপমানিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বদলা নেওয়ার জন্য রেডি থাক, গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা, এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা নিতে পারবেন আগামী দিনে যখন পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে 1-1.5 মাস পর যখন বাই ইলেকশন হবে, তখন তৃণমূলকে পরাজিত করুন, দেখিয়ে দেন যে আসানসোলের মানুষের অধিকার কেড়ে নিলে আসানসোলের মানুষ তার জবাব দিতে জানে। লুট হয়েছে, কুলটিতে কোনোদিন যেটা ছিল না এবার লুট করলো, কুলটির সব বুথ লুটে নিল, জামুড়িয়া রানিগঞ্জ লুটেছে, সাউথে নর্থে সব জায়গায় লুট করেছে, অবাধে লুট করেছে, ছাপ্পা চালিয়েছে, এভাবে ভোট হয়। कांग्रेस ने नगर निगम के 25, 28 और 59 नंबर वार्ड में जीत प्राप्त की है। 25 नंबर वार्ड से इसे मुस्तफा, 28 नंबर वार्ड से गुलाम सरबर और 59 नंबर वार्ड से मोहम्मद जाकिर हुसैन को जीत मिली है। सीपीएम ने 33 और 43 नंबर वार्ड में जीत दर्ज की है। 33 नंबर वार्ड से नारायण भावरी और 43 नंबर वार्ड से अमना खातू ने जीत प्राप्त की है। नगर निगम के 65, 67 और 68 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। 65 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी नदीम अख्तर, 67 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी टुम्पा चौधरी और 68 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी राधा सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वाल्का ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमला धाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमला धाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विथ किड्स पूल, AC, कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता, गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा सियारशोल रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886।